एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और उसे पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। यह सुन गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, कौन से वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हम पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, जीवन की परेशानियां। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़े करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियाँ कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियाँ साझा करते हैं उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को ये जान के खुशी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं, और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले कई बार सोच लो। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ विवाद और समस्याएं होती हैं, और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी, क्योंकि इससे कुछ सुलझने वाला नहीं। यह बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जब हम अपनी या अपने परिवार की समस्याएं लोगों के सामने बताते हैं तो हम एक कमजोर व अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नजर आते हैं। उन्होंने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में डींग हाँकना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले के अहम को चोट लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं, और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमज़ोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे, तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की बजाय तुम्हें ताने भी मारेंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब संभालो। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी डेंगे मारने से बचें। लोगों के सामने अपने चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान, की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दया, दान, परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठा, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां, अपनी सफलता का रहस्य। हमने किन तरीकों से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है अगर कोई इंसान उससे सीख कर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं, जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। शिष्य अब गुरु की बात अच्छे तरीके से समझ चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।